बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं उमर फारूक डिग्गी जैनम आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। मेरी मामुन्ना से अपील है कि ये जो कोरोना वायरस के हवाले से बारहा तदाबीर बताई जा रही हैं, इनको इंप्लीमेंट करने में इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। बारहा हमें शिकायात मिलती हैं कि मुख्तलिफ सड़कों पर वन व्हीलिंग हो रही है, डबल सवारी हो रही है, पतंगबाजी की बड़ी शिकायतें आ रही हैं। इसके साथ साथ फिर मजीद शाम के टाइम पर ये शिकायत भी मिल जाती है कि फलां स्टेडियम में, फलां ग्राउंड में 100 के करीब जवानों नंबर लड़के जो हैं वो इकट्ठे होकर फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी बारहा हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया पे, नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर इस वाले से बताया जा रहा है कि हर किस्म के इस्तेमाल से, हर किस्म के अकट से परहेज किया जाए, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ फैल जाता है। तो आपसे इल्तमास है, आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस फाइट में इंतजामिया का भरपूर हम इंतजामिया के साथ ताउन करें और हमें अपने ये जो स्ट्रेटजी है, जो हम दीगर मामला इंतजामिया देख रही है उसमें अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से लगाने की जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दें, ताकि हमारी ये जो बार बार तवज्जो इस तरह के कामों में की तरफ मबजूल हो जाती है, हमारी एनर्जी जो है वो अच्छी खासी ये वन व्हीलिंग डबल सवारी और पतंगबाजी को रोकने में मबजूल हो रही है। इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम जो है वो जाया हो रहा है, जो कि असूली तौर पर कोरोना को फाइट करने में लगना चाहिए। तो आपसे इस मैसेज का सिर्फ यही मकसद था कि आपसे मैं गुजारिश कर सकूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि बराए मेहरबानी इंतजामिया के साथ ताउन करें और ये जो बारहा SOPs बताई जा रही हैं इसके पर अमल दरामद करें, बगैर किसी वजह के अपने घरों से ना निकलें, बगैर किसी वजह के किसी इज्तिमा में ना जाएं, ना ही किसी किस्म का अकट करें। बहुत शुक्रिया।